घर पहुंचने की जल्दी ने एक गंभीर दुर्घटना करवा दी। जी हाँ, वह लोग जो घर के बाहर थे, अपने घर पहुंचने की जल्दी में जो भी साधन मिल रहा है उससे आने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा करने से कुछ गंभीर हादसे भी हो रहे हैं। कोरोना वायरस का खौफ इन दिनों कुछ ज्यादा ही बढ़ता चला जा रहा है। ऐसा ही कुछ हुआ बुधवार की सुबह रीवा के बाईपास में, जहां पर महाराष्ट्र से आ रहा ट्रक, जिसका नंबर MH08H2045 था, जैसे ही शहर की ओर मुड़ा तभी पीछे से आने वाले ट्रक ने उसको जबरदस्त ठोकर मार दी। ट्रक में क्षमता से ज्यादा लोग बैठे हुए थे। जो लोग ट्रक की छत पर सवार थे वह ट्रक के नीचे आ गए। घटना स्थल पर ही एक व्यक्ति की मौत हो गई। 6 से 7 गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें रीवा के संजय गांधी अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया है। वही कम गंभीर 40 से 45 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। इस बारे में हमने SP रीवा से बात की। सुबह 7:30 के बीच का ये इंसिडेंट है। रीवा जिले में चौहटा थाना है, बाईपास वहाँ पे जाता है जिसको चौहटा बाईपास कहते हैं। वहाँ पे एक दो ट्रकों का आपस में एक्सीडेंट हुआ है। पीछे से एक लोडर ट्रक ने एक दूसरे ट्रक को हिट किया है। जिस ट्रक को पीछे से हिट किया गया है वो आगे वाले ट्रक में करीब 50 के आसपास माइग्रेंट लेबर जो महाराष्ट्र से रीवा के लिए आ रहे थे, और एक्सीडेंट हुआ है तो कुछ लोग ऊपर से गिरे हैं, करीब 12 लोग उसमें घायल हुए हैं, एक व्यक्ति की उसमें मृत्यु की पुष्टि हो गई है। और ये सब लोग रीवा में अलग अलग जगह के रहने वाले हैं। कुछ लोग अधिकांश जवा थाना क्षेत्र पड़ता है, वहाँ के रहने वाले हैं। सभी 12 लोगों को हॉस्पिटल में समय रहते भेज दिया गया है और अभी सभी लोग ठीक हैं। बाकी जिसकी डेथ हो गई उसके बारे में जो लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं, पछताव वगैरह, वो कर चल रही है।